अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को लाइक करें बिना बंद ना करें, आपके लाइक करने से मेरे चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट मिलता है। MCX के वीकली वीडियो जो कल लेवल जो है वो मेंबर्स के लिए पोस्ट कर दिया है मैंने, तो अगर आपने अभी तक मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बराबर में जो ज्वाइन बटन है वो दबाइए। MCX के वीकली लेवल्स का वीडियो आपको दिख जाएगा। MCX के मेंबरशिप में आपको 399 रुपीज़ में वीकली का अलग वीडियो मिलेगा, डेली के कॉपर के, नेचुरल गैस के, जिंक के लेवल्स मिलेंगे, और 5 बजे के बाद जो MCX के लेवल्स चेंज होते हैं INR के बाद, बंद होने के बाद, वो भी मिलेंगे MCX की मेंबरशिप में 399 वाली में। YouTube में ध्यान रखिएगा, 399 की YouTube मेंबरशिप में कोई कॉल्स नहीं आते हैं। कॉल्स के लिए WhatsApp पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। 1808 के आसपास क्लोजिंग हुई। पूरा वीक जो है गोल्ड एक बहुत छोटी सी रेंज में घूम रहा था, 1800 से लेकर 1812। एक बार जरूर 1790 के आसपास गया था वो, जब हमारा सेल था। ये आप देख सकते हो 1794-1791 के आसपास गया था, लेकिन मार्केट ने ज्यादा कोई रेंज नहीं दी है। 1789-30 का जिस दिन लो बनाया उस दिन हमारा सेल था कॉमेक्स में, 1791 का टारगेट था। तो अभी जो है गोल्ड ने उस दिन के बाद से जो है मुश्किल से $10 की रेंज दी होगी। 1800 से 1812 जाता है, फिर वापस 1800 आ जाता है, तो ज़्यादा कोई एक एक्शन नहीं आया गोल्ड में। सिल्वर में ज़रूर थोड़ा एक्शन था बट गोल्ड बिल्कुल शांत था। दो चीज़ें हैं, गोल्ड या तो राइप हो रहा है करेक्शन के लिए या फिर गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर जाने के लिए। दोनों में से कौन सा सही होने वाला है वो प्रॉबेबली हमें नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा, जब या तो गोल्ड अगर 1825 से ऊपर क्लोजिंग देगा या गोल्ड 1790 या 1780 से भी नीचे क्लोजिंग देगा, तो गोल्ड में समझ में आ जाएगा कि करेक्शन शुरू हो रहा है। चलिए वो सब बातें करने से पहले देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं। जितने भी आप टाइमिंग देख रहे हो ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से AM और PM है। मंडे कोई मेजर डेटा नहीं है, जर्मनी का मंथली रिपोर्ट है माइनर सा। ट्यूसडे भी ज्यादा कोई मेजर नंबर्स नहीं है। वेडनेसडे होम सेल्स डेटा है, क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी है यूएस की। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस के, नेचुरल गैस स्टोरेज है और ये इंडेक्स है मंथली। नेक्स्ट वीक ज्यादा कोई मेजर डेटा नहीं है फ्राइडे को छोड़ के। फ्राइडे जर्मन की मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं और यूएस के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं और होम सेल्स नंबर हैं। तो नेक्स्ट वीक कोई मेजर डेटा तो नहीं है नो डाउट, बट मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस से इम्पैक्ट हो रहा है। रोज नए केसेस का रिकॉर्ड बना रहा है यूएस, बाकी वर्ल्ड में भी रोज का रिकॉर्ड बन रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। तो जब तक ये वायरस की केसेस कम नहीं होंगे या फिर कम नहीं हो रहे हैं तो कम से कम हाइज बन नहीं होंगे, तब तक गोल्ड में जो है थोड़ी सी तेजी ही लग रही है। बिकॉज इवन दो डाउ जोन्स काफी ऊपर बंद हो रहा है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं डेटा की तरफ से, बट जो अनसर्टेनिटी वायरस की है उसकी वजह से गोल्ड चढ़ रहा है। जब तक वायरस के केसेस, जैसे कि लास्ट जो कल मैंने आपको, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो मेरे तो आपको मेरा मैसेज मिला होगा कि 70,000 नए केसेस आए यूएस में, सिर्फ यूएस में। तो जब तक ये केसेस 70,000 की जगह 60,000-50,000 नहीं होंगे, मतलब एक फ्लैट नहीं होगी कर्व, या तो रोज के 70 आ रहे हैं तो अगले दिन 69 आए, फिर 68 आए, फिर 68-69, 68-69 ऐसे आए, जब तक फ्लैट नहीं होगी कर्व तब तक मार्केट में गोल्ड में थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा सेलिंग से बचें, बिकॉज वायरस की वजह से जो है मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है। दूसरा, एक गोल्ड इसीलिए चढ़ रहा है बिकॉज जो मार्च में जो जबरदस्त क्रैश आए थे और फिर उसके बाद अप्रैल में जो सेंट्रल बैंक्स ने अनाउंसमेंट्स किए थे, उसका जो भुगतान है, मतलब
अनाउंसमेंट तो कर दिए, $1 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन ने, 50 बिलियन ने, ये बिलियन, वो सब उन्होंने अनाउंस तो कर दिए, इवन इकोनॉमी भी रीस्टार्ट कर दी है। लेकिन जब वायरस का असर ख़त्म होगा, जब इकोनॉमी में लोन्स की रिपेमेंट शुरू होगी, तब जो है वो मार्केट एक ज़बरदस्त वापस से एक अर्थक्वेक के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो आएंगे। तो उस वजह से भी एक गोल्ड अच्छे एक सस्टेन कर रहा है। आप देखो तो 1450 के आसपास से 1800 के आसपास आ गया, बहुत ही अच्छी गेंस आई हैं। अगर आप कैलकुलेट करो तो एब्सोल्यूट टर्म में तकरीबन 22 से 25% का रिटर्न गोल्ड दे चुका है मार्च के लोस से। अभी भी गोल्ड में जो है तेज़ी ही लग रही है, बिकॉज वायरस के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। एक माइनर करेक्शन अगर आपको कहीं दिख जाए $10-20 का तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक गोल्ड सपोर्ट के नीचे बंद नहीं होगा, मैं जो अभी सपोर्ट देने वाला आपको, जब तक उसके नीचे बंद नहीं होगा तब तक मेजर करेक्शन तो रूल्ड आउट ही समझिए। बट हाँ, अगर करेक्शन अगर हमारी सपोर्ट से नीचे क्लोज हो गया तो ज़बरदस्त $100 के आसपास का करेक्शन समझिएगा। बट $100 के करेक्शन के लिए वायरस के केसेस को कम होना पड़ेगा या फिर वैक्सीन की एक बहुत बेटर न्यूज़ आनी पड़ेगी। जब तक वैक्सीन की कोई न्यूज़ नहीं आती या फिर वायरस केसेस कम नहीं होते हैं तो सेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑफकोर्स इंट्राडे में कभी कभी गोल्ड वीक हो जाता है तो उसमें आप सेलिंग कर सकते हो, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग कीजिएगा। बिना स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बोलो कि 1800 पे मैं सेलिंग कर दूं, अब तो गोल्ड 25% बढ़ चुका है, 5-10% का नीचे तो आ ही जाएगा, तो वो गलती ना करें, आपके अकाउंट के लिए बेहतर रहेगा। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है इस वीक का $1748, गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1831। ध्यान रखिएगा 1748 के नीचे क्लोज होता है मार्केट, मेजर कीवर्ड इज क्लोज। 1748 के नीचे क्लोज होता है तो 1700 और 1650 और 1600 भी जा सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर 1831 से ऊपर क्लोज होता है तो 1850 और 1900 भी जा सकता है, लाइफ टाइम हाई गोल्ड बना सकता है डॉलर टर्म में। एक बात, एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता दूं, डॉलर के अलावा गोल्ड सारी जगह लाइफ टाइम हाई बना चुका है, यूरो में, येन में, इंडियन रुपीज में, सब जगह ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई बना चुका है डॉलर को छोड़ के। चलिए अब आते हैं सिल्वर पे। गोल्ड का ट्रेंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट, क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसको देखो कि $50 के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई था, अभी वहां से तकरीबन 50% से भी ज्यादा डाउन है, और डॉलर गोल्ड में से गोल्ड जो है सिर्फ तकरीबन 8 से 9% डाउन है। तो अभी भी सिल्वर में जो आउट परफॉर्मेंस होना बाकी है, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर में सेलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। सिल्वर आउट परफॉर्म इसीलिए भी कर रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल है, रिकवरीज आ रही हैं, लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं, डिमांड आ रही है, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है और ये प्रेशियस मेटल भी है। तो सिल्वर में डबल जब मार पड़ रही थी मार्च में, वैसे ही इसमें डबल गेन्स आ रहे हैं इस बार। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं सिल्वर का। सिल्वर का सपोर्ट है इस बार का 1798 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है इस बार का $20.60 का। ध्यान रखिएगा ये $20.60 जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट $22 और $24 तक जा सकता है। 1798 से नीचे अगर मैनेज होता है सिल्वर का क्लोज तो $17 और $16 भी जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है वीकली चार्ट पे, तो अवॉइड कीजिएगा वीकली में सेलिंग करना। इंट्राडे में आप ऑफकोर्स सेलिंग कर सकते हो, जिस दिन आपको दिखे ट्रेंड वीक है, उसके लिए आप मेरा मंडे टू फ्राइडे वीडियो देख सकते हो, मैं रोज ट्रेंड अपडेट करता हूँ। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 11 से 11:30 के आसपास आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर आप बेल आइकन भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा या डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आ जाएगा। चलिए अब क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल $40 के ऊपर क्लोज हुआ है, अभी भी ये बहुत हेजिटेट कर रहा है 41-20 को ब्रेक करना, और उसको क्लोज करना तो दूर की बात है। 4-5 एनकाउंटर हो चुके हैं 41-20 के आसपास के, लेकिन क्लोज ऊपर में नहीं दे रहा है। मेन प्रॉब्लम उसका वही जा रहा है, जब तक मार्केट उस पर क्लोज नहीं देगी तब तक एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना ही रहेगा। इस बार का क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 42.50 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है 36.70 का। ध्यान रखिएगा 36.70 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो वापस से 33 और $30 की रेंज में जा सकता है।
42-50 के ऊपर जाता है और क्लोज होता है तो 45 और 48 डॉलर भी जा सकता है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल तीनों कमोडिटीज के जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। इंट्राडे सेलिंग की जा सकती है, लेकिन जिस दिन ट्रेंड वीक हो उस दिन, उसके लिए आप मेरा डेली वीडियो देखेंगे। MCX के वीकली जो लेवल्स हैं वो मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड करे हैं, जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन का बटन दबाइए। 399 रुपीज पर मंथ है, उसमें वीकली एक वीडियो आएगा। डेली के कॉपर, जिंक, नेचुरल गैस लेवल सुबह को मिलेंगे और 5 बजे के बाद MCX लेवल भी कोल्ड सिल्वर में मिलेंगे। चलिए, अब मंडे वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।